तो उसकी हम प्रेडिक्शंस लेंगे, मगर कल क्या प्रेडिक्शंस की थी हमारे जरा गेस्ट ने वो देखते हैं। सो मेरा फेवरेट सेगमेंट द प्रेडिक्शंस। The big match tomorrow, because the table toppers will face each other. It is India versus South Africa. और ये match जो है वो कोलकाता Eden Gardens में खेला जाएगा। जी कहाँ से यूसुफ आपसे शुरू करते हैं your prediction? India आराम से जीतेगा। Okay. बहुत strong team है। मेरे ख्याल में जो यूसुफ कह रहा है India, क्योंकि इस वक्त ये favourite भी है। Batting, bowling, हर चीज को enjoy कर रहे हैं, confident है। हर किस्म के स्किल्स इनके पास मौजूद है। स्पिनिंग स्पिनर्स देख रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं वो लोग। मैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 175 रन से तकरीबन हारे हैं। क्या कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस। मैं साउथ अफ्रीका से 200 से भी ज्यादा, 243 रन, बहुत बुरी तरीके से हारे। मतलब इसमें तो आपको माइनस करने चाहिए पॉइंट्स। लाला जो 10 पॉइंट्स ऐड किए माइनस हो जाने चाहिए। ये तो ज्यादा, इतनी बड़ी अभी रहने, अभी रहने, मुझे पता नहीं गेम का। इंडिया आराम से जीत जाएगी, बड़े आराम से आपने कह दिया यूसुफ भाई। दोनों ने, सो दिस इज द पॉइंट्स टेबल। 52 पॉइंट्स यूसुफ भाई टॉपर, लाला 48 और 4 पॉइंट्स का फर्क आ गया। लाला गैप बढ़ता जा रहा है आपका भी, और कोई मसला अभी कोई मसला नहीं, अभी है 7-8 मैच। ये पार्टनरशिप लगी है मेरी और यूसुफ की। हां ये सर डर्बन वाली लगी। 34 पॉइंट्स हैं आपके, 10 प्लस करके अगर ये 10 निकालें तो 26 पॉइंट्स पर आप होते हैं। वो भी 10 जो है ज़कात खैरात सदका दिया है। नहीं 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 नहीं, वो यूसुफ आपने कुछ कहा था ना, हैंडीकैप। हाँ, आज 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 की प्रेडिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर दिस पॉइंट्स टेबल ऑफ वर्ल्ड कप, इट इज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मुंबई में खेला जाएगा। मैं 10 दिन बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कौन जीतेगा तो फायदा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अफगानिस्तान रेस से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जी। मुशी भाई आप पहले बताते हैं। नहीं नहीं यूसुफ पहले। यूसुफ मैं ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। मैंने पहले कहा पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अफगानिस्तान के जीतने का। भाई आप वो शायद ने दो दफा चूज किया था ना, तो मैं इस दफा मेरी नियत अगर अच्छी होगी पाकिस्तान को जिताने की है। ओके, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जिस टीम को चूज कर रहे हैं वो हार रही है। इनकी नियत उसकी भी है, दूसरे ये कि 10 पॉइंट भी मिलेंगे वो भी नियत है। हल्की सी, हल्की सी, चले विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बट यस, ऐसी विन विन सिचुएशन वी ऑल होप के ना हो, बिकॉज अफगानिस्तान फिर हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान में जूझ रहे हैं और फिर अफगानिस्तान भी एक कंपेटिटर बन जाएगी सामने आके। बट मूविंग ऑन फर्दर, अब आप लोगों का सबसे पसंदीदा सेगमेंट उसको ऐड इन करते हैं एंड हैशटैग आस्क जेड के जे को शामिल करते हैं, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे लेजेंड्स आप लोगों के सवालों का जवाब दें। सो जल्दी से शुरू करते हैं आप लोगों के सवालों का सिलसिला। सो हैशटैग आस्क जेड के जे, मुस्तफा आबिद क्या कहते हैं जी। पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द प्लैटिनम जुबली मैच इन 2004 एट कोलकाता। लाला वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ दैट मैच, शेयर सम मेमोरीज ऑफ दैट मैच एंड हिस्टोरिकल चेज। क्या बात है, मुझे तो ऑनेस्टली याद भी नहीं है कौन सा मैच था। नहीं वो एक खेले गए थे ना हम लोग, मेरा ख्याल सलमान बट मैन ऑफ द मैच, सलमान बट ने जिसमें सेंचुरी की। सलमान मैंने दो तीन आउट किए थे कुछ इस तरह के, आउट किए मैन ऑफ द मैच वो हो गया। हां वो था लड़का। हां सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। वैसे मैं ईडन गार्डन्स की बात करूं, देखिए ईडन गार्डन्स एक ऐसी जगह है जहां पे बड़ी फतुआत मिली है पाकिस्तान। बिल्कुल, अ वेरी गुड वेन्यू फॉर पाकिस्तान, जबरदस्त, एक्सीलेंट कंडीशन, पिच सारा सूट करती थी, दोनों टीमों को ही करती थी, लेकिन पाकिस्तान टीम बड़ी बहुत थी। जबरदस्त था वो मैच, कहते ही वही मैच है जब ये सारे इमरान भाई वगैरह कमेंट्री कर रहे थे। मैं है एक मैच के लिए आए थे, एक मैच के लिए आए थे, मैंने सहवाग को बोल्ड किया था। हां ये याद है, थोड़ा सा याद है भाई, सहवाग वाला बोल्ड याद है मुझे बिल्कुल, थोड़ा सा वो याद है। क्या था वो, मेरे ख्याल बगीज में हमारे जो क्रिकेटर्स थे, yes, क्रिकेटर्स थे उनको लेकर आए थे बगीज में। ये मेरी जान वो 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, वर्ल्ड कप का मैच होगा ये, एक ही मैच होगा ये, एक ही मैच के लिए गए थे हम लोग। अच्छा अच्छा जी, ये देख रहे प्लैटिनम जुबली मैच था, एक मैच था, इंजमान भाई कप्तान थे। अच्छा अच्छा, और ये इंटरनेशनल मैच था। 2004 में हमने टेस्ट सीरीज भी एक पूरी खेली है, पांच में। हां नहीं, 2004 में वो पाकिस्तान में खेली थी। Okay, काका okay. नहीं, पांच चार में यहाँ खेले थे, पांच में वहाँ जा खेले थे, छह मैचेस खेले थे हम। हाँ, वो वनडे, वनडे से वनडे टेस्ट नहीं, आज जो जिसमें तूने तीन आउट किया था, ठीक है ठीक है, 2005 वाली सीरीज, ओ बेंगलोर में। हाँ बिल्कुल। बट चले मैं एक आपसे जरूर इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ यूसुफ। जो डोमिनेंस उस वक्त हमारी इंडिया के अगेंस्ट थी, ODIs की मैं बात कर रही हूँ, बायलैटरल्स की बात कर रही हूँ, क्यों हम उसको पिकअप नहीं कर सके उस तरह?
आगे आते आते क्यों नहीं हमारी वो डोमिनेंस रही और वो आगे निकल गए? व्हाट वेंट रॉन्ग? उस वक्त जो हम क्रिकेट खेलते थे ना, हम लोगों से आगे की क्रिकेट खेलते थे। अगर आप देखें हमारे पास जो प्लेयर्स थे सारे उस वक्त की जो क्रिकेट होती थी उसके मुताबिक खेलते थे। ओपनर सलमान, ये लाला होता था ओपनर, कभी मलिक होता था, इमरान नजीर में कम खेला है, कभी मलिक ओपनर चला जाता था, इस तरह होता था। नंबर तीन पर यूनस आ जाता था, चार पे इंजी भाई कभी चले जाते, कभी हमारी पांच तक तो ऐसी बैटिंग थी। और जब पीछे चार पांच में मैं इंजी भाई होते थे, ऊपर से सब बड़े खुला खेल रहे होते थे। और मेरा ख्याल है कि जब नीचे ऊपर से कोई आउट भी हो जाता था तो हम इतना ज़्यादा ठक्का नहीं लगाते थे कि वो मैच डेड ही हो जाए, वो सिंगले जो है वो रिलायबिलिटी और ट्रस्ट की बात जी। हाँ। जो उस वक्त का स्ट्राइक रेट था ना उसको मेंटेन किया होता था कि हमारे जेन में होता था 270-280 स्कोर है, जो ये अच्छा स्कोर है। अगर उस वक्त हम कहें जी 230 रन बहुत है हमारी बॉलिंग कर लेगी तो वो गलत है। हमें 270-280 उस वक्त एक अच्छा स्कोर होता था कि एक बॉल होता था, चार फील्डर अंदर होते थे, रिवर्स स्विंग 10वें 11वें ओवर में शुरू होता था। बिल्कुल। फिर हमारे स्पिनर भी अच्छे थे सारे। 10वें 11वें बाद में उन्होंने अपने क्रिकेट पे ग्राउंड्स पे क्रिकेटर्स पे बहुत इन्वेस्ट किया, हमने नहीं किया। सही, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंतहा शहजादा कह रही है, अस्सलाम वालेकुम ऑल, आई हैव अ क्वेश्चन आप सबसे। हम न्यूजीलैंड की हार की दुआएं तो कर लेंगे लेकिन अफगानियों का क्या करें, वो तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, रहनुमाई प्लीज रिगार्ड मुंतहा शहजाद और हमारे नंबर वन हीरोज कैसे लग रहे हैं आपको? जी मुशी भाई आप बता दें आप तो पढ़ तो ले ना कुछ बताएं ना अफगानिस्तान के लिए। देखिए मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये जो कल मैच होना ना, अभी मैं यूसे बात यही कर रहे थे कि अगर उनको थोड़ी सी भी टर्निंग पिच मिल गई तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ना, इनके एक आध प्लेयर के सिवाय ये भी स्पिनर पे बड़े वनरेबल से हैं। सिर्फ उनको जो अंदर मुझे डर लग रहा है, जो कि अब उन्होंने इस वर्ल्ड कप में डर निकाल दिया है कि फास्ट बॉलरों के खिलाफ ये अच्छा नहीं खेलते। मगर अब इनके तीन चार जो ऊपर वाले बैट्समैन है ना, उनको बारी लेने का तरीका आ गया, अब वो विकेट नहीं लूज करते। तो आई थिंक ये अगर 260-70 कर गए ना जो अफगानिस्तान, और स्पिन हल्का सा भी इनको मिला, इन्होंने पकड़ लेना किसी भी टीम को। कंडीशंस है मुंबई में तो बैटिंग आपको आई थिंक इनके है, राशिद और उसका नूर जो है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट बॉलर, वो आसान बॉलर नहीं है। हाँ, लेकिन उनका बॉलर स्पिनर जांपा सबसे पहले नंबर पे, स्टीव स्मिथ भी खतरे में हैं, कल पता नहीं उनकी शिरकत मशकूक है, देखते हैं क्या इंजरी के उनके को खदशात हैं, कल पता चलेगा उनका फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है जी, हुसैन क्या कहते हैं? कुदरत का निजाम वर्किंग वंस अगेन बट द क्वेश्चन इज वेदर इट्स फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जी, कुदरत का निजाम काम तो कर रहा है जनाब, मगर क्या पाकिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के लिए? नहीं, हमारे लिए। हाँ, अफगानिस्तान मुझे नहीं लग रहा था। देखिए बारिश तो हमारे पास ही हुई ना, हमारी यार रहमत बरसी। ये अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच में बारिश होती तो वो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, मुझे नहीं कहीं से भी लग रहा है कि अफगानिस्तान आगे आए, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो दो मैच दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ हैं। ठीक है मुशी भाई जो कह रहे हैं, एक तो एक्सपीरियंस भी है इनको, स्पिनर है खुद भी, लेकिन अगर टर्न ना हुआ जरा भी तो बड़ी फेंटी पड़नी उस जगह पे। ठीक है जी, अगला कमेंट #AskZKJ में अजायब मारूफ पूछते हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या मोहम्मद आमिर का कमबैक पॉसिबल है? अगर नहीं तो प्लीज लाला आमिर को भी कन्वेंस करें प्लीज। नहीं, मोहम्मद आमिर तो पहले तो ये कि रिटायरमेंट वापस ले, रिटायरमेंट वापस लेने के बाद आए, डोमेस्टिक सीजन खेले, अच्छा है, नज़र आ रहा है लीग्स वगैरह के अंदर, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर वो आई मीन कि अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में हो तो व्हाई नॉट, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछे कि वेदर वो खेलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये भी नहीं पता चल रहा ना। कन्विंस करने का कहा है उन्होंने, आप कन्विंस करेंगे? बात हुई कभी आमिर से या इस तरह की? आमिर से ऐसे बात तो नहीं हुई मेरी, कोई बात नहीं, काफी अरसा हो गया, लेकिन आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सिलेक्शन कमेटी ने दो तीन दफा कहा है। लाला 2016 में बहुत वाइटल रोल था आपका वैसे मोहम्मद आमिर को वापस लाने में, थी मेरी सपोर्ट उसको, बिल्कुल मेरी सपोर्ट की वजह से दोबारा कमबैक हुआ था। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये नहीं हो सकता कि वो आके ये जो फर्स्ट क्लास हो रही है, ये जो डिपार्टमेंट की, वो खेले, उसमें क्या है पाकिस्तान का प्लेयर है, खेलना चाहते कि नहीं खेलना चाहते, सबसे पहले तो ये पता करने की जरूरत है। फर्स्ट क्लास जैसे आइडिया हो जाएगा वो खेलना चाह रहा है, ये तो पूछने की किसी को जरूरत ही नहीं रही। ठीक है जी, मूविंग ऑन फर्दर, मुंतहा का एक और मैसेज यहाँ पे, मुंतहा शहजाद कहती है अस्सलाम वालेकुम, आई हैव क्वेश्चन दैट डू यू थिंक के शुड include Abrar who is a mystery spinner as replacement of Shadab because no one have experience how to play him, our spin side is weak, what will you say because if our spin side will be good we will attack on other teams as well, Mushi bhai. I totally agree with that. Yeah. हम अपने शो पे सारे सब की बात यही कर रहे हैं कि अगर शदाब फिट नहीं है
तो अबरार को ला के उसको खिलाया जा सकता, किसी ने उसको खेला नहीं है और वो विकेट टू विकेट बॉल करता है। इन पिचों के ऊपर आपको चाहे स्पिनर ना भी बड़े हों तो विकेट टू विकेट बॉल करे और आपको थोड़ी बहुत मिस्ट्री समझ ना आ रही हो अपोजिशन को, तो आई थिंक ही कैन बी वेरी लीथल। ओके जी, अगला कमेंट हमजा दिलशाद क्या कहते हैं। फॉर्मर कैप्टन शाहिद अफरीदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इज इट करेक्ट न्यूज और नॉट? नहीं मुझे तो नहीं पता, ये कि न्यूज दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। चले जी, शुक्र ये बात एक क्लैरिटी में आ जाए क्योंकि आपको ही नहीं पता आप अपॉइंट हो गए। नहीं मामा ये पता नहीं होता ना, ऑफिशियली होता है, कुछ नहीं है। आई थिंक ये शायद थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दे अपने व्यूज को कि व्हेन यू मेट द चेयरमैन तो ऑब्वियसली आपकी कोई कम्युनिकेशन तो हुई होगी ना कि वेयर यू वांट टू वर्क, हाउ यू गोना वर्क। मैंने उनको अपना प्लान बता दिया डोमेस्टिक के हवाले से, प्लान बता दिया। देखिए ये जो नीचे लोग काम कर रहे हैं जैसे नदीम खान है या दूसरा अरशद खान है, जो भी इस तरह के लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके साथ मैंने 3-4 दिन वर्किंग की डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके, इन्होंने जो प्लान बनाया वो बहुत जबरदस्त है। प्लान बन तो गया, हमें समझ आ गया। अब मैंने 3-4 सीनियर्स को दिखाया जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में काफी अरसे से काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, उन सबने कहा ये प्लान बहुत जबरदस्त, तो प्लान हमने बना लिया। असल चीज उस प्लान को लेके जाना, चेयरमैन से अप्रूव कराना असल चीज है। और देखे मैं सारी जिंदगी इस कुर्सी पे नहीं रहूंगा, लेकिन बात यह है कि उस सिस्टम को वो जो हमने अप्रूव कराना है सिस्टम स्ट्रक्चर, उसको तकरीबन 3 साल लगेंगे। क्या मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये चेयरमैन साहब होंगे नहीं होंगे, हर चीज हमारे इलेक्शनों के साथ जुड़ी हुई है। तो बात यह है कि मैं या चेयरमैन साहब रहें या ना रहें, लेकिन एटलीस्ट जो हमने सिस्टम बनाया और सारे जो सीनियर बड़े क्रिकेटर्स हैं हमारे, उन्होंने अप्रूव किया, तो एटलीस्ट इसको पे टाइम देना, 2.5 से 3 साल तो देना, ये आपको रिजल्ट लाजमी देगा। इसको गारंटी कैसे करें, इसको सॉलिडिफाई कैसे करें कि ये प्लान है, ये सॉलिडिफाई है? जका साहब रहते हैं, ओके जका साहब, सेठी साहब आ जाते हैं, एक्स वाई जी कोई भी आ जाता है, रमेश राजा फिर से आ जाते हैं, एहसान मानी आ जाते हैं, ये हिले ना प्लान अपनी जगह से, क्या तरीका है इसको सॉलिडिफाई करने? आते लीगली लीगल आप इसमें डॉक्यूमेंट्स करके बनाएं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स बने उस पे के जी जो मर्जी आए या जाए, कोई आए या जाए, ये प्लान जो है ना 3 साल तक इसको जो भी आएगा इसको फॉलो करेगा। दे हैव टू अबाइड, दे हैव टू ओबे, बेसिकली सिंपल इज दैट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आई थिंक प्लान जो भी बनते हैं, हमारी अनफॉर्चुनेटली ये बात करने कि जब चीज़ें चेंज होती हैं तो प्लान्स भी चेंज होते हैं, जबकि प्लान्स चेंज नहीं होने चाहिए, लोग चेंज होते रहते हैं। प्लान्स को कंटिन्यू रखने के लिए आपने लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन प्लान्स को, और इसको लोगों को फ्रीडम दें। मतलब अगर कोई यूसुफ ने अगर कोई प्लान बनाया या एक्स वाई जी ने बनाया, किसी ने भी बनाया, उसको अगर उसने प्लान बना के एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, तो कोई भी आए तो वो जो आए उसको चाहे वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर नहीं होता, उसको प्लान्स, अगर इस प्लान्स के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी हो सकती है और पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे से लेके ऊपर तक तगड़ी हो सकती है, तो आई थिंक हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और आई एम श्योर ये शायद भी सुन रहा है, अगर इसने चेयरमैन से बात की है और इनको प्लान्स इन्होंने बनाए, तो जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं हमारे, आई नो दे विल सपोर्ट इट। They will support Pakistan cricket. It's nothing to do with the individual, na. It's something to do with the Pakistan cricket. और मेरे ख्याल वसीम भाई से लेके एक एक बंदे तक, जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, जितने भी हमारे खेले हुए हैं, वो जरूर प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज उन सबको पता है कि यार ये ग्रास रूट से क्रिकेट को और तगड़ी क्रिकेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दे विल सपोर्ट। और तगड़ी क्रिकेट और डिफरेंट वेन्यूज, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट कंडीशन, बिल्कुल असल प्लान ये है। हमारी तो फ्लैट विकेटें होती है, जिसको देखो 200 रन कर रहा है, 100 रन कर रहा है, यार कहीं तो पिच चेंज करो, जरा बाउंसी ट्रैक पे खिलाओ, सीलिंग ट्रैक पे खिलाओ। ये चैलेंजेस होने चाहिए और डोमेस्टिक में चैलेंजेस बहुत जरूरी है, बट अब चैलेंज ये है कि वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा और उमेर को इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय।